आगे बढ़े और आपको बताएं कि मजलूम फलस्तीनियों पर मुसलत नेतन्याहू यहूदियों के लिए भी वबाले जान बन गए। इसराइली वजीर आजम के खिलाफ एहतजाज करने पर पुलिस का अपने ही शहरियों पर बदतरीन तशद्दुद, एहलकार मुजाहिरीन को जमीन पर घसीटते रहे। एक दहाई से जायद मसलूम फलस्तीनियों पर मुसलत से होनी वजीर आजम नेतन्याहू के पांव उखड़ने लगे और कोरोना से निमटने में नाकामी पर इसराइली शहरी गुज़िश्ता दो माह से सड़कों पर हैं और नेतन्याहू के खिलाफ इन मुजाहिरों में रोज बरोज शिद्दत आती जा रही है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज अलकुद्स और तेल अबीब समेत मुल्क भर में 260 मकामात पर नेतन्याहू से मुसाफी होने के मुतालबे के साथ एहतजाजी मुजाहरे किए गए, जबकि इसराइल के सरकारी नशरियाती इदारे ने भी अलकुद्स में वजीर आजम की रिहायशगाह के सामने हजारों मुजाहिरीन के जमा होने की तस्दीक की है। इसराइली शहरियों ने अपने प्राइम मिनिस्टर को क्राइम मिनिस्टर करार देते हुए करप्शन के इल्जाम के तहत तफ्तीश का सामना करने वाले नेतन्याहू जब तक मुसाफी नहीं होते एहतजाज का सिलसिला जारी रखने का ऐलान किया है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि नेतन्याहू फौरी तौर पर इस्तीफा देकर हुकूमत से अलहदा हो जाए, क्योंकि वो वबा पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। दूसरी जानब मजलूम फलस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाली सहूनी पुलिस ने इस बार अपने शहरियों को भी ना बख्शा और इन्हें शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस एहलकार वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा करने वाले मुजाहिरीन को सड़कों पर घसीटते रहे, जबकि मुतादिद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।